हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम कॉम्पिटिशन गुरु। बेटा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में क्या देखिए, बॉन्ड एंगल टॉपिक हमारा है, बॉन्ड एंगल राइट। तो बॉन्ड एंगल बच्चे क्या होता है, जो हमारी बॉन्डिंग लाइंस है, सपोज कीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है बॉन्डिंग लाइंस जो बॉन्ड को बनाने वाली होती हैं, दीज आर बॉन्डिंग लाइंस राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बेटा बॉन्डिंग लाइन है, इनके बीच का जो एंगल होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, जो कि वोटर के लिए क्या होता है, 104.5 डिग्री राइट। ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और ये कहाँ आता बच्चे, बॉन्डिंग लाइन्स के इन बिटवीन आता है, बॉन्डिंग लाइन्स के इन बिटवीन। तो एंगल बिटवीन बॉन्डिंग लाइन्स नोन एज बॉन्ड एंगल क्या बोलते हैं बच्चे इसको, बॉन्ड एंगल हम बोलते हैं। अब हमारे पास सुपर ट्रिक क्या है बॉन्ड एंगल निकालने के, बच्चे आपको बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपके पास ट्रिक है। तो ट्रिक से कैसे काम करने वाले हैं, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं। पहला हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर को बच्चे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा हाइब्रिडाइजेशन को वो प्रीवियस लेक्चर में जाके हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक देख सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बेसिस पे हम बॉन्ड एंगल को डिस्कस करेंगे राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बेस पे हम बॉन्ड एंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीन पॉइंट पे बात करेंगे बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन पे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन पे एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे ध्यान रहे, हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर देखेंगे आप, एस कैरेक्टर राइट। सपोज कीजिए आपके पास है sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे एस कैरेक्टर कितना होगा, यहां पे 50% एस कैरेक्टर होता है और 50% पी कैरेक्टर होता है राइट। अगर sp3 की बात करें, sp3, तो यहां पे एस कैरेक्टर क्या होगा बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 33% और जो पी कैरेक्टर है 66% के अप्रोक्सीमेट हमारा रहेगा, 66 point something, और यहां पे भी क्या होगा 33 point something बनेगा राइट। और यहां पे बच्चे आप देखेंगे अगर एस कैरेक्टर कितना है, 25% एस कैरेक्टर है और पी कितना हमारे पास 75%, ये यहां पे पी कैरेक्टर है राइट। अब सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कहां पे बच्चे, यहां पे, और आप देख सकते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या रहता है 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल क्या रहता है 180 डिग्री। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं आप, या सिंपली प्लेनर, और बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चे 120 डिग्री राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, टेट्राहेड्रल और यहां पे बॉन्ड एंगल है 109.28। तो देखिए बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे एस कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आपको जस्ट चेक क्या करना है, एस कैरेक्टर, अगर आपका एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल भी हमारा क्या होगा बच्चे, प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो पहला पॉइंट आपने सबसे पहले चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन, क्या चेक करेंगे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर अगर आपका ग्रेटर है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बच्चे, बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। क्लियर है पहला पॉइंट, ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेक करने वाले हैं, एस कैरेक्टर ग्रेटर है तो आपका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा राइट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या बच्चे,
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्शन है उसका बच्चे ऑर्डर हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, रिपल्शन इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है, लोन पेयर, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर, लोन पेयर में। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, और उससे कम लोन पेयर में हमारे पास, और साथ में या फिर कह सकते हैं आप बॉन्ड पेयर में और ओड इलेक्ट्रॉन में, ओड इलेक्ट्रॉन पेयर में, और सबसे कम बच्चे हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में। अब यहां पे ओड इलेक्ट्रॉन से मीनिंग क्या बच्चे, जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि NO2 के पास होता है, यहां पे NO2 में हमारे पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, उससे कम हमारे पास बॉन्ड पेयर, ओड पेयर में, और सबसे कम होगा बच्चे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो पहले हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर, सेकंड चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जितना ज्यादा होगा बच्चे, बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये इनवर्स रहेगा, बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है अमोनिया है बेटा, यहां पे सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम सी एच फोर, फिर लिया हमने अमोनिया एन एच थ्री, और एक लेते हैं बच्चे हम एच टू ओ, वाटर मोलिक्यूल, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें सी एच फोर जो मिथेन मोलिक्यूल है, यहां पर मिथेन में कोई भी आपका लोन पेयर नहीं है। अगर आप चेक करेंगे यहां पे क्या है, फोर बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। अमोनिया में क्या रहेगा, थ्री बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। बच्चे ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना और हाइब्रिडाइजेशन निकालना प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं लेक्चर। H2O में टू बॉन्ड पेयर होते हैं बच्चे और टू लोन पेयर होते हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए यहां पर सबसे ज्यादा लोन पेयर कहां पे है, सबसे ज्यादा लोन पेयर ये हमारे पास कहां पे, ये रहे सबसे ज्यादा लोन पेयर यहां पे। तो मींस यहां पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है, लोन पेयर जहां ज्यादा होंगे वहां रिपल्शन क्या होगा सबसे ज्यादा, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम। तभी तो यहां पे बॉन्ड एंगल क्या 109.28, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है ये। यहां पे हमारे पास अमोनिया यहां पर क्या होगा 107.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता बच्चे, और यहां पे होता क्या ये हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में क्या है sp3, और यहां पर भी sp3। यहां पे चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बट बॉन्ड एंगल क्या होता है यहां पे 104.5 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चे, बेंट ज्योमेट्री। तो हमें हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना बॉन्ड एंगल को। अब ध्यान से देखिए CH4 मिथेन अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल तीनों में ही बच्चे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है sp3। तो सभी में s कैरेक्टर क्या है 25%। तो आप देखा आपने कि भाई यहां इस फैक्टर से काम नहीं बन रहा हमारा, बिकॉज सभी में s कैरेक्टर सेम है। फिर हमने सेकंड क्या चेक किया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हमने देखा यहां पे लोन पेयर सबसे ज्यादा है, तो लोन पेयर रिपल्शन, तो यहां पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। देखिए सबसे कम बॉन्ड एंगल कहां पे है, किसमें बचे बॉन्ड एंगल, H2O में, वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या है 104.5। बात समझ में आई बच्चे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो अब क्या चेक करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होगा, जहां सबसे ज्यादा लोन पेयर होंगे तो वहां सबसे ज्यादा रिपल्शन। यहां पे लोन पेयर क्या है हमारे देख सकते हैं, लोन पेयर जीरो है, यहां पे लोन पेयर हमारा क्या बनेगा बच्चे, यहां पे लोन पेयर वन बनेगा, वन लोन पेयर यहां पे बच्चे होगा, वन लोन पेयर, और यहां पे बच्चे कितना है टू लोन पेयर। क्लियर है बच्चे पॉइंट, ये टू लोन पेयर,
और उसी वजह से यहां पे रिपल्सन सबसे ज्यादा है और बॉन्ड एंगल सबसे कम है। सेकंड पॉइंट क्लियर है बच्चे। अब आता हूं मैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला हमने चेक किया हाइब्रिडाइजेशन से, सेकंड चेक किया इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, थर्ड हमारा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एलिमेंट, जो सेंटर का एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट जो हमारे पास है, सेंट्रल एलिमेंट अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एंगल उसके क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो सेंट्रल एलिमेंट हमारा है, सेंट्रल एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लें तो बॉन्ड एंगल के क्या होगी बच्चे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो टर्मिनल एटम होते हैं बच्चे, टर्मिनल एटम्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के बच्चे क्या रहेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। बॉन्ड एंगल के क्या रहेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास है NH3। क्वेश्चन दे देते हैं बेटा आपको, विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। भाई इनमें से किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया NH3, सेकंड ऑप्शन दिया गया आपको PH3, सी ऑप्शन है आर्सेनिक हाइड्राइड है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट दिया हमारे पास टेल्यूरियम हाइड्राइड, ये आपके पास है SB ले लीजिए, चलिए SB एंटीमनी हाइड्राइड, ये आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और SB होता बच्चे एंटीमनी, इनका ये हाइड्राइड आपके पास है। तो अब ध्यान से देखिए इसमें, यहां पे आपके क्या निकलेंगे? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3, और बच्चे सभी में यहां पर भी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी सेम होंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? सेम, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन क्या मानी बच्चे? sp3। क्लियर पॉइंट है? ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पहला जो फैक्टर था हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, तो पहला फैक्टर तो हो गया फेल, इसके बेस पे बॉन्ड एंगल हम नहीं बता सकते। सेकंड हमारा है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, अब यहां पे सभी में सेम है, सेम बॉन्ड पेयर सेम लोन पेयर, तो सेकंड फैक्टर भी यहां पे काम नहीं कर रहा। तो अब लगाएंगे थर्ड फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है। अब देखिए यहां पे सेंट्रल एलिमेंट में नाइट्रोजन है, ये आपके सेम ग्रुप के एलिमेंट है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। देखिए ध्यान से, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये बच्चे सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे बॉन्ड एंगल आप डायरेक्ट टिक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट की, सेंटर में क्या है? नाइट्रोजन। यहां पे देखिए टर्मिनल एटम क्या है? टर्मिनल हाइड्रोजन, ये सब में सेम है, सभी में टर्मिनल एटम मैंने सेम लगाया है। तो बचा क्या हमारे पास? सेंट्रल एटम यहां पे बचे क्या है? नाइट्रोजन। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ बचे? नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम आने वाला है। बात समझ में आई बेटा? आपने क्या चेक करना है? सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, अगर बच्चे वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बोलेंगे बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इन चारों ही एग्जांपल में टर्मिनल एटम सेम थे, हाइड्रोजन, तो आपने क्या चेक कर लिया? सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी आपका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे।
ये वाला क्वेश्चन हमारे पास किसका है, टर्मिनल एटम से रिलेटेड होगा। जिस बच्चे ने ध्यान से लेक्चर देख लिया, बच्चे बॉन्ड एंगल में कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ये आपको सुपर ट्रिक बता दी मैंने बॉन्ड एंगल निकालने की, आप इजीली निकाल सकते हैं। और जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती हो बेटा, वो लेक्चर प्रॉब्लम देगा इसमें, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लें आप, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन को यूज कर रहे हैं हम, राइट। और बच्चे हाइब्रिडाइजेशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे केमिकल बॉन्डिंग में, पूरे ऑर्गेनिक में हर जगह यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो बहुत जरूरी है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया है, वहां जाके आप देख सकते हैं उस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैं बता रहा किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होने वाला है, राइट। एक तो मैंने आपको दिया, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है यहां पे PCl3, सेकेंड आपके पास है PBr3। यहां पे आप आर्सेनिक ले सकते हैं, आर्सेनिक ट्राइब्रोमाइड ये हमारे पास है, राइट। अब इनमें मान लिया आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चे दोनों में से भी किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब देख सकते हैं यहां पे आर्सेनिक है, यहां पर भी आर्सेनिक है, क्लियर है। मान लीजिए कहीं और भी दे सकते हैं आर्सेनिक, ऐसे दे सकते हैं, ट्राइफ्लोराइड दे दें, क्लियर है, ऐसे दे दें, यहां पर भी आर्सेनिक है। अब देख रहे हैं सर यहां पे सेंट्रल एलिमेंट सेम है, तो जो टर्मिनल एलिमेंट है, टर्मिनल एलिमेंट क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये टर्मिनल एलिमेंट है, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मेथड क्या था, ये तीनों हमारे 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी ट्रिक ये थी, फिर कल बाहर आई आंटी, देखिए ध्यान से, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेंटीन, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बच्चे, फ्लोरीन। और जो टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। और हमें क्या बताना था, विच ऑफ फॉलोइंग है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में कौन सा आना चाहिए, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों से क्या है, कम है, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारा बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट, तीन पॉइंट मैंने आपको बताए, पहला हमारा हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड कंसेप्ट बेटा हमारा रहा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, और थर्ड कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टर्मिनल एटम हमारे पास ये है, ये बॉन्ड एंगल के क्या बेटा, इनवर्स, और सेंट्रल एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर बच्चे। तो आज यहीं तक करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।